नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जिसका ये 1000वां एपिसोड है। एक हजार एपिसोड के लिहाज से बड़ा नंबर होता है ना, लेकिन आपके प्यार दुलार थपकियों और उलाहनाओं से सीखते बढ़ते हमने इस मील के पत्थर को पार कर लिया है। उम्मीद है कि ये साथ आगे भी बना रहेगा और हम इसी तरह ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से, तथ्य सम्मत ढंग से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बरगद की मजबूती उसकी जड़ों से आंकी जाती है, जिनके सहारे लहलाती हैं शाखाएं और पनपता है नया जीवन। दुनियादारी के बरगद की सबसे मजबूत स्तंभ स्वाति मिश्र रही, उनसे सुनते हैं कैसे शुरू हुआ था ये सफर। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति। लल्लन टॉप पर दुनियादारी के 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैं आप सबको जो इसे देखते हैं बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मतलब पता है, जब ये शुरू हुआ था तो मतलब थोड़ा सा वो भी था ना, संशय था कि क्या सच में लोग इसे देखना चाहेंगे, क्या लोग सच में ऐसे किसी प्रोग्राम को पसंद करेंगे जिसमें मान लो ऐसे बुर्किना फासो की किसी घटना का जिक्र किया गया हो। तो ऐसा माना जाता था कि नहीं भाई, हिंदी के दर्शकों की ऐसे कंटेंट में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप सब ने, दुनियादारी के दर्शकों ने इस भ्रांति को तोड़ा है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं अभी लल्लन टॉप में नहीं हूँ, लेकिन मतलब फिर भी वो मेरे लिए एक ऐसी जगह है, उसकी सारी उपलब्धियाँ, उसके हिस्से की सारी प्रशंसाएँ है ना, मतलब उस टीम की हासिल की गई चीज़ें मुझे निजी तौर पर खुशी देती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है और मुझे ये मौका देने का कि इस अवसर पर मैं आप लोगों से बात कर सकूं, आई एम सो हैप्पी। तो आप सबको आई लव यू, लल्लन टॉप को आई लव यू, है ना, पूरी टीम को, सोनू जो ये अभिषेक जो इन्होंने मेरे बाद इतने लंबे वक्त तक किया और अभी जो साथी इसे कर रहे हैं, सबको 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 बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार और सबसे ज़्यादा प्यार आप लोगों को। शुरुआत का किस्सा सुना, आप सफर की झलकियां देखते हैं। हमारे साथी अमितेश ने बड़ी मेहनत से ये मोंटाज तैयार किया है। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज के हमारे नए बुलेटिन दुनियादारी का पहला एपिसोड। यहाँ हम आपको बताएंगे इस वक्त की कुछ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ और एक बड़ी खबर पूरे विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। 24 फरवरी 2022 की तारीख को इतिहास में याद रखा जाएगा। सात अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल में बसे लोगों की नींद सायरन, गोलियों और बम धमाकों की आवाज से खुली थी। यूके से ताजा अपडेट यह है कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मुस्लिम्स और अरब दोनों अलग अलग होते हैं, सारे अरब मुस्लिम नहीं होते। ये भाई साहब जरा समझा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारे अरब मुस्लिम होते हैं। उन्टा के मुखिया बर्मा का तानाशाह कह सकते हैं, या भारत की दृष्टि से ठीक नहीं होगा डिप्लोमेटिकली कहना। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। तो आज हम जानेंगे कि पुतिन अचानक से मिडिल ईस्ट के दौरे पर क्यों पहुंचे। आज के शो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या है, इमरान खान पर हमले के पीछे कौन था। तो आज के शो में हम जानेंगे 2023 की किन घटनाओं ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और एक्सपर्ट से समझेंगे उनके लिए कौन सी घटना सबसे अहम रही और आने वाले वक्त पर उनका क्या असर होगा। साल की शुरुआत एक हैरान करने वाले ऐलान से हुई और एक जरूरी बहस से। 18 जनवरी को न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोली, मैं इस्तीफा दे रही हूँ, मेरे पास अब देने के लिए कुछ बचा नहीं राजनीति में, मैं प्रधानमंत्री के पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। आई एम लीविंग बिकॉज विद सच अ प्रिविलेज्ड रोल कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो व्हेन यू आर द राइट पर्सन टू लीड एंड आल्सो व्हेन यू आर नॉट। I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. जेसिंडा 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। 37 की उम्र में वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री थी। 2020 में दूसरी बार चुनाव जीती, कोविड के समय में कमाल का काम किया, पीएम रहते हुए बच्चे को जन्म दिया मैटरनिटी लीव लेकर।
तमाम आलोचनाओं को धता बताया। 2023 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके कार्यकाल में 10 महीने बचे थे, उनकी पार्टी जीत की प्रबल दावेदार जा रही थी। इन सब के बावजूद जब मेंटल हेल्थ भारी पड़ी तो उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने में हिचक नहीं दिखाई। इसके बाद पूरी दुनिया में बर्नआउट और राइट टाइम टू लीव जैसे टैबू समझे जाने वाले विषयों पर चर्चा शुरू हुई। न्यूजीलैंड की पॉलिटिक्स में क्या हुआ? जेसिंडा के इस्तीफे के बाद उन्हीं की पार्टी के क्रिस हिपकिंस पीएम बने। अक्टूबर 2023 के चुनाव में जेसिंडा की पार्टी हार गई। अब क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री हैं। जनवरी में ही इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। नेतन्याहू सरकार न्यायपालिका में सुधार के लिए बिल लेकर आई थी। आरोप लगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपंग बनाने की साजिश रच रही है। फिर जनता सड़कों पर उतरी। अक्टूबर तक प्रोटेस्ट चलता रहा। फरवरी की शुरुआत अमेरिका और चीन के झगड़े से भी हुई। 3 फरवरी को अमेरिका ने कहा, हम एक जासूसी गुब्बारे को ट्रैक कर रहे हैं, इसको चीन ने भेजा है हमारे सैन्य अड्डों की टोह लेने के लिए। चीन बोला, गुब्बारा मौसम की जानकारी लेने निकला था, रास्ता भटक गया। अमेरिका बेवजह मामले को तूल दे रहा है। अमेरिका नहीं माना, उसने फाइटर जेट भेजकर गुब्बारे उड़वा दिए। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन जाने वाले थे, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। चीन भी नाराज हुआ। तलखी लंबे वक्त तक कायम रही। 6 फरवरी को तुर्की के गाजियन टेप में भयंकर भूकंप आया, 7.8 की तीव्रता वाला। असर सीरिया तक हुआ। इस भूकंप में 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों विस्थापित हुए। 13 फरवरी को ही बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। एक ही कैंडिडेट का नॉमिनेशन अवामी लीग के शहाबुद्दीन चुप्पू, और वो निर्विरोध जीत गए। फिर 21 फरवरी को रूस ने न्यू स्टार्ट संधि छोड़ने का ऐलान किया। ये संधि 2010 में हुई थी। इसके तहत दोनों देश न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को सीमित करने पर सहमत हुए थे। दोनों देश मतलब अमेरिका और रूस। इसके अलावा वे एक दूसरे के यहाँ एक साल में 18 बार इंस्पेक्शन भी कर सकते थे। 2020 में इस व्यवस्था को 5 बरस के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन फरवरी 2023 में पुतिन ने समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया। इसके बाद परमाणु युद्ध की आशंका और बढ़ी। फिर आया मार्च। 4 मार्च को चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी की बैठक हुई। एनपीसी चीन की संसद है। इसकी बैठक हर साल होती है। इसे रबर स्टैम्प पार्लियामेंट भी कहा जाता है। फैसले पहले से तय, संसद के सत्र में वोटिंग का दिखावा। एनपीसी ने अपने इतिहास में किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, इसीलिए दिखावा कहा। 10 मार्च को सत्र के अंतिम दिन शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुन लिया गया, लगातार 3रा कार्यकाल। उनसे पहले कोई चीनी नेता 3 बार राष्ट्रपति नहीं बना था। 10 मार्च को सऊदी अरब और ईरान भी सुर्खियों में लौटे। इन्होंने आपसी रिश्ते बहाल करने का फैसला किया। सऊदी अरब और ईरान वेस्ट एशिया के 2 बड़े पावर सेंटर, उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। शिया सुन्नी को लेकर भी तकरार होती रही। 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को मौत की सजा दी थी। इसके बाद ईरान में सऊदी अरब के दूतावास और दूसरे ठिकानों पर हमले भी हुए थे, और तब सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए थे। 7 बरस कटता रही, फिर चीन ने मध्यस्थता कराई और मामला सुलटा लिया गया। इस एक घटना ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी हिलाकर रख दिया। आमतौर पर अमेरिका या रूस इस तरह की सुलह कराते रहे, पर चीन ने इस क्लब में अपनी जगह बना ली। इसके बाद चीन ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझाने का भी ऑफर दिया था। फिर मार्च की 17वीं तारीख आई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला। उनके साथ रूस की चिल्ड्रंस राइट्स कमिश्नर मारिया लवोवा बिलोवा का भी नाम था। दोनों पर यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप लगाए गए। रूस ने वारंट को खारिज किया। हालांकि पुतिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी स्थायी सदस्य के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बने जिनके खिलाफ ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला हो। अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों ने इसका स्वागत किया, लेकिन पुतिन की अभी तक गिरफ्तारी हम जानते हैं नहीं हो सकी है। चार अप्रैल को फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का 31वां मेंबर देश बन गया। फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है, इसलिए ये नाटो में शामिल होना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के बाद फिनलैंड की चिंता बढ़ गई थी, और तब उसने नाटो की मेंबरशिप लेने का फैसला किया। फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तुर्की ने वहां वीटो कर दिया। स्वीडन की मेंबरशिप अभी अटकी हुई है। 15 अप्रैल को अफ्रीकी देश सूडान से फिर खबर आई। सिविल वॉर शुरू हुआ। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF और सूडानी आर्मी के बीच 2 जनरलों की रंजिश में पूरा मुल्क और उसकी फौज आपस में भिड़े। और पैरामिलिट्री RSF के मोहम्मद हमदान दगालो और सूडानी आर्मी के मुखिया अब्देल फतेह अल बुरहान, एक समय तक ये दोनों एक दूसरे के साथी थे। साथ में तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल बशीर के मातहत काम किया, साथ में बशीर का तख्ता पलट भी करवाया, और फिर एक साथ कुर्सी हथियाई। कालांतर में उनमें आपसी संशय पैदा हुआ। वर्चस्व की लड़ाई जंग राजधानी खार्तूम में शुरू हुई, फिर पूरे देश में फैल गई और 10,000 से ज्यादा लोग तक
इसमें मारे जा चुके हैं, लाखों विस्थापित हैं, लेकिन जिम्मेदार देशों और संस्थाओं ने सूडान से मुंह फेर रखा है। 25 अप्रैल इस तारीख को अफ्रीकी महाद्वीप के ही एक और देश केन्या से खबर आई। एक हैरतअंगेज पर्दाफाश हुआ, एक पादरी की कहानी सामने आई। जंगल के बीच में उसका आश्रम था, वहां भूखे रहकर ईसा मसीह के दर्शन कराने का लोभ देता था। इस फेर में सैकड़ों लोग फंसे, पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें 400 से ज्यादा कब्रें मिली, 600 से ज्यादा लोग अब तक लापता है। फिर आया मई का महीना। 5 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वाला टैग हटाया। ये टैग जनवरी 2020 में लगा था। मई 2023 तक लगभग 77 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई ज्ञात। सबसे ज्यादा मृत्यु अमेरिका में हुई। 7 मई को अरब लीग ने सीरिया की मेंबरशिप भी बहाल की, यह भी बड़ी खबर बनी। सीरिया में 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। असद ने विरोधियों को कुचला और तब अरब लीग ने सीरिया को अपनी लीग से बाहर निकाल दिया। अरब लीग अफ्रीका और वेस्ट एशिया के 22 देशों का संगठन है। शुरुआत 1945 में हुई थी 6 देशों के साथ। सीरिया इसके संस्थापक देशों में से एक था। 28 मई को यही पास में तुर्की से खबर आई। राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राउंड की वोटिंग हुई। 2 उम्मीदवार थे, रेचेप तैयप अर्दोगान और दूसरे केमाल कोर्डोग्लू। केमाल को तुर्की का गांधी भी कहा जाता है। उनके जीतने की उम्मीद जताई जा रही थी। उसी समय अर्दोगान को भ्रष्टाचार, लोकतंत्र के हनन और महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसके बावजूद वो चुनाव जीत गए। 2002 में शुरू हुआ सत्ता का सफर बरकरार रहा। फिर आया जून का महीना। 18 जून को टाइटैनिक का मलबा दिखाने समंदर में उतरी टाइटन पनडुब्बी लापता हो गई। 5 लोग सवार थे। 4 दिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों ने खोजबीन की, पता नहीं चला। 22 जून को हादसे की पुष्टि हुई। टाइटन सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 23 जून को रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ने विद्रोह किया, रूसी सेना से जंग शुरू की, राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़े। कई घंटे अफरा तफरी रही। फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता कराई और वैगनर रुका। घर लौटने या बेलारूस जाने का ऑफर मिला। अफवाह उड़ी कि वैगनर का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस चला गया, लेकिन वो रूस में रहा और बीच में पुतिन से मीटिंग भी करता रहा। फिर अगस्त में एक रोज उसका प्लेन क्रैश हो गया। शक पुतिन पर था। पुतिन ने कभी आरोप नहीं स्वीकारा, हालांकि उनकी मौत पर इतना जरूर कहा, उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो आदमी काम का था। फिर आया जुलाई का महीना। 14 जुलाई को हॉलीवुड एक्टर ने हड़ताल का ऐलान किया। राइटर पहले से स्ट्राइक पर थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेलगाम इस्तेमाल के खिलाफ। 1.5 लाख एक्टर्स एक साथ हड़ताल पर। इसमें मेरिल स्ट्रिप से लेकर किलन मर्फी जैसे जाने माने नाम थे। राइटर्स वाली हड़ताल 27 दिसंबर तक चली। एक्टर प्रोडक्शन कंपनियों के बीच नवंबर में समझौता हुआ, लेकिन सबके बीच फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 35,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ। 26 जुलाई को नाइजर से खबर आई तख्तापलट की। सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को कुर्सी से उतारा। बजूम को फ्रांस का सपोर्ट मिला था। फ्रांस की सेना नाइजर में पहले से थी। तख्तापलट के बाद बनी मिलिट्री हुंटा ने फ्रांस को दूतावास खाली करने और सेना हटाने के लिए कहा। लंबे वक्त तक तकरार और बाद में फ्रांस को झुकना पड़ा। यह अफ्रीका में फ्रांस के घटते प्रभाव का प्रतीक बना। अगस्त 1 अगस्त को समुद्र का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रोज का तापमान 20.96 डिग्री सेल्सियस। इसने 29 मार्च 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। समंदर गर्म हवाओं को सोखते हैं, धरती का आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और वेदर पैटर्न तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका तापमान बढ़ा तो धरती और गर्म रहेगी, जिसके चलते ग्लेशियर्स के पिघलने की आशंका बढ़ेगी, जलस्तर बढ़ेगा, समंदर के किनारे बसे इलाके लुप्त होंगे। कई देश इस खतरे के नज़दीक हैं, जैसे टूवालू, मालदीव या किरीबाती, और मौसम का पैटर्न हिला रहेगा। इसीलिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपसे मैं सिर्फ एक स्वेटर पहन के मुखातिब होऊंगा। ना मफलर कान पे लपेटे जाएंगे, ना भारी भरकम जैकेटों को जो धूप दिखा के रखी गई हैं अपनी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। बहरहाल अगस्त पर लौटते हैं। 5 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में 3 बरस की सजा हुई। अरेस्ट कर जेल भेजा गया। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की, लेकिन कई और मामले चल रहे थे इसलिए रिहा नहीं हुए। 22 दिसंबर को उन्हें एक मामले में जमानत मिली है, पर रिहाई अभी तय नहीं है। 30 अगस्त को अफ्रीका से एक और तख्तापलट की खबर आई। गेबोन में सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को गिरफ्तार कर लिया। वो 2009 से सत्ता में थे। 30 अगस्त को फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, लेकिन नतीजा आने के बाद सेना हरकत में आ गई। बोंगो अपने लोगों के बीच अलोकप्रिय थे, अयाशियों के चलते उन्हें प्लेबॉय प्रिंस कहा जा रहा था। उनका परिवार 55 बरस से सत्ता में था और इस देश में भी फ्रांस का स्टेक था। गेबोन आज़ादी से पहले तक फ्रांस की कॉलोनी था, बाद में फ्रेंच कंपनियों का दखल रहा। तख्तापलट के समय फ्रांस के 400 सैनिक गेबोन में थे। फिर आया सितंबर का महीना। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 लीडर्स समिट आयोजित हुई। भारत की मेजबानी में अफ्रीकन यूनियन को
इस गुट का 21वां सदस्य बनाया गया। पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समिट में नहीं आए। माना जा रहा था कि इससे साझा राय बनाने में मुश्किल आएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पहले ही दिन साझा डिक्लेरेशन जारी हो गया। समिट के दौरान ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी। ये प्रस्ताव कॉरिडोर भारत को यूरोप से ये प्रस्तावित कॉरिडोर जोड़ेगा भारत को यूरोप से समंदर, रेलवे और रोड के जरिए। इसी समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उखड़े उखड़े दिखे। कनाडाई अखबारों में खबर छपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बात पर ट्रूडो को डांटा। चर्चा हुई कि भारत कनाडा के संबंध बिगड़े हैं। चर्चाओं ने तब और तूल पकड़ा जब ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर संगीन इल्जाम लगाए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का नाम जोड़ा। बोले, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change. भारत ने आरोप को सिरे से खारिज किया। बाद में दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया गया। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रोकी। तकरार अभी कायम है। अगली बड़ी खबर नगोर्नो काराबाख से आई। 19 सितंबर को अजरबैजान ने सेना भेजकर वहां कब्जा कर लिया। ये विवाद 1990 के दशक से चला आ रहा था। नगोर्नो काराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर है, लेकिन बहुतायत आर्मेनियाई मूल के लोगों की थी। कई मामलों में ऑटोनॉमी मिली थी, आर्मेनिया को सपोर्ट भी मिलता था। इसी के दम पर वे आज़ादी की मांग कर रहे थे। इन सबके बीच रूस मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन सितंबर में उसने हाथ खींच लिया, जिसके बाद अजरबैजान ने कुछ घंटों के अंदर इलाके को कंट्रोल में लिया। 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को उसके बाद घर बार छोड़कर आर्मेनिया जाना पड़ा। नवंबर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने उनकी सुरक्षित वापसी के पक्ष में फैसला दिया, हालांकि अजरबैजान इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर आया अक्टूबर का महीना और एक घटना ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला किया। 1,100 से ज्यादा लोगों की हत्या, 240 से ज्यादा को बंधक बनाकर ले गए। फिर इसराइल ने जंग का ऐलान किया। गाजा पट्टी पर हवाई बमबारी, 3,00,000 से ज्यादा की फौज को बॉर्डर पर बिठाया। जंग के 76 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल के हमले में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच युद्ध विराम की कोशिशें चल रही, लेकिन इसराइल अपने दोनों मकसद पूरे किए बगैर हटने के लिए तैयार नहीं। क्या मकसद? हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा और सभी बंधकों को सुरक्षित वापस लाना। नवंबर में 7 दिन का संघर्ष विराम हुआ था। उस दौरान 100 के आसपास बंधक छूटे थे, हालांकि अभी भी 130 से ज्यादा बंधक हमास के कब्जे में है। नवंबर का महीना, 17 नवंबर को शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे। 2017 के बाद ये उनका पहला अमेरिकी दौरा था। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग के बाद दोनों देश मिलिट्री की कम्युनिकेशन लाइन खोलने के लिए राजी हुए। कहा गया दोनों नेता ताइवान के शांतिपूर्ण समाधान की खोज के लिए तैयार हैं। फिर 22 नवंबर को नेदरलैंड से खबर आई आम चुनाव के नतीजों की। फ्रीडम पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। पार्टी के नेता हियत विल्डर्स को नेदरलैंड का ट्रंप कहा जाता है। वो इस्लाम और प्रवासी विरोधी बयानों के लिए कुख्यात है। विल्डर्स अभी तक बहुमत तो साबित नहीं कर सके, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के चांस सबसे ज्यादा है। उनकी जीत को कट्टर दक्षिणपंथ के उभार के तौर पर देखा गया। विल्डर्स से पहले अक्टूबर 2023 में हावियर मिले ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्हें अर्जेंटीना का ट्रंप कहा गया। फिर आया दिसंबर का महीना। 6 दिसंबर को पुतिन का सरकारी जहाज 4 फाइटर जेट्स की निगरानी में पहले UAE पहुंचा, फिर वहां से सऊदी अरब के लिए निकला। ICC के वारंट के बाद पुतिन की मिडिल ईस्ट की ये पहली यात्रा थी।
अगले दिन मॉस्को में पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। ईरान, सऊदी अरब और यूएई वेस्ट एशिया के हैवीवेट देश माने जाते हैं। पश्चिम से प्रतिबंध झेल रहे रूस का इन देशों ने साथ दिया। जानकारों ने कहा, पुतिन जल्द राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, इसलिए वो अपने सहयोगियों को साथ दिखाना चाहते हैं, और यही हुआ भी। 8 दिसंबर को पुतिन ने 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रूस में मार्च 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, इसमें पुतिन की जीत तय मानी जा रही है। वो जब होगा तब होगा, उससे पहले एक और नेता ने अपनी कुर्सी पुख्ता की। 18 दिसंबर को इजिप्ट के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया। अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार जीते, उन्हें लगभग 90% वोट मिले। नजदीकी प्रतिद्वंदी 5% वोट पर सिमटे, फिर आए इल्जाम की धांधली हुई। ये तो हुई मुख्य खबरें। अगर आप इनमें से किसी भी खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, जब हमने विस्तार से इन खबरों पर बात की थी। अब हम रुख करते हैं एक्सपर्ट्स का। हमने उनसे एक ही सवाल पूछा, 2023 की सबसे अहम घटना क्या रही और 2024 का उस पर क्या असर हो सकता है। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर स्वस्ति राव, डॉक्टर राव मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस यानी MPIDSA के यूरोप एंड यूरेशिया सेंटर में एसोसिएट फेलो है। जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव है, जिसका बहुत इंतजार हो रहा था कि यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव एक तरह का निर्णायक भूमिका प्ले करेगा रशिया यूक्रेन के युद्ध में, वो नहीं हो पाया। और यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव का वो आउटकम नहीं रहा जो कि एटलीस्ट यूरोप को चाहिए था एक तरह से। तो इससे क्या हुआ कि दो चीजें हुई। इससे एक तरफ तो ये पहले से सबको पता था कि यूएस की जो एड है वो धीरे धीरे कम होगी क्योंकि कांग्रेस में सपोर्ट नहीं है उसका। दूसरा, सबको पता है कि बाइडन के जाने के बाद अगर इसके बाद वाला चुनाव बाइडन नहीं जीत पाते हैं तो फिर वहां की जनता में वैसा उत्साह नहीं है यूक्रेन में एक एंडलेस वॉर को लगातार सपोर्ट करने का। और इन सब चीजों की वजह से आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि यूरोप जो है वो फंसा हुआ एक महसूस करता है। इधर यूएस में क्या चुनाव होने वाले हैं, उनके क्या नतीजे होंगे, और इधर रशिया में क्या हो रहा है। और जिस तरह से पुतिन एक आत्मविश्वास के साथ अपने मोबिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं एटसेट्रा, लेकिन इन सारी चीजों में जो सिल्वर लाइनिंग रही है यूरोप के लिए वो ये रही है कि यूरोप का जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो बहुत रिवाइटलाइज हुआ है, जैसा कि पहले नहीं था। और यूक्रेन को मिलिटरली सपोर्ट करने के लिए वो एक कटिबद्धता आपको यूरोप में दिखती है जैसी कि पहले नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बताऊं एक छोटा सा उदाहरण देकर कि जैसे जर्मनी के बारे में कहा था कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन होगा यूरोप यूक्रेन वॉर के बाद और $100 बिलियन का फंड यूज करेगी जर्मनी, वो तो कहीं होता हुआ नहीं दिखता। लेकिन रियली जर्मनी ने जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया है राइनमेटल के साथ, फ्रेंच जो कंपनीज उनके साथ, ताकि 155 mm शेल्स यूक्रेन को दी जा सके, ना केवल एक बार के लिए बल्कि तकरीबन एक साल के लिए। ये सब चीजें बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं कहूंगी कि यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव का फेल होना यूरोप की जो रीअवेकनिंग है उससे उसके तार सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब ये वाकई क्या निर्णायक भूमिका इसकी होती है या नहीं, ये तो हमें समय के बाद पता चलेगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, जैसे कि एक और कुछ अच्छी चीजें यूरोप के पक्ष में ये हुई कि जैसे पोलैंड एक इंपॉर्टेंट कंट्री है सेंट्रल यूरोप का, जहां पर एक प्रो यूरोपियन यूनियन सरकार आई टस्क की, क्योंकि इसके पहले जो पोलैंड की सरकार थी वो काफी यूरोस्केप्टिक थी और पोलैंड जो है वो यूक्रेन के बहुत नजदीक है और यूक्रेन को बहुत सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही इंटरनली डिवाइडेड था यूरोप में लेकर। तो ये जो एक पोलैंड को वापस से यूरोपियन प्रोजेक्ट में शामिल करने की जो बात है उससे यूरोप मजबूत होता हुआ दिखता है। दो और इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं यूरोप के लिए इस साल में, वो ये कि एक तो COP28 का जो मैंडेट है वो बिल्कुल ही जो यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील और जो क्लाइमेट गोल्स का मैंडेट है उसके बहुत नजदीक है। और अगर आप गौर से उसकी भाषा को देखेंगे तो जो ट्रिपल करने की बात है रिन्यूएबल्स को, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट गोल्स में कही गई है। सो आई वुड से कि, और ये सारे के सारे जो 27 मेंबर स्टेट्स ने मिलकर इसको पास किया है, तो ये भी एक मैं कहूंगी कि विजय रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात रही इंटरनली यूरोप के लिए कि एक नए माइग्रेशन पैक्ट पर एक सहमति बनी सारे मेंबर स्टेट्स की, और ये मेरे हिसाब से अभी आज ही उसके बारे में लिखा भी है कि एक इंटरनल मैलिटी है यूरोप के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर से डिस्टेबलाइज करके रखती है यूरोप को, लेकिन वो जो एक चीज है आपको अच्छी होती हुई दिखती है कि अब कम से कम एक नया माइग्रेशन पैक्ट है जिसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए इस प्रॉब्लम को बेहतर मैनेज किया जा सकता है।
इसके अलावा डेफिनेटली जो हमास का अटैक रहा है इसराइल पे, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव का जो जो फेल करना वो, और उसके बाद हमास के अटैक के बाद से जिस तरह से यूएस की एड बट गई और यूएस का जो ध्यान है वो भी बट गया, कहीं ना कहीं वो भी यूरोप को एक तरीके का एक बहुत ही बड़ा झटका है वो यूरोप को लगा है, न केवल अपने डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूक्रेन के लिए, बल्कि इस पर्टिकुलर जिसको हम कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स के लिए भी, क्योंकि रशिया को जिस चीज के लिए वो क्रिटिसाइज करते हैं यूक्रेन में, उसी चीज के लिए इसराइल को उन्होंने इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो ये भी एक तरह का टेंशन निकल कर आया, जिसके कि मैं कहूंगी कि जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत लंबे समय तक पता चलेंगे। कमिंग नाउ टू टू इंडो पैसिफिक और भारत के संदर्भ में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रहा जो ये जो यूरोप और इंडिया के बीच जो TTC साइन हुआ था, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, उसका पहला MOU साइन हुआ है सेमीकंडक्टर्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर है, उसमें एक तरीके का मैं कहूंगी कि एक दिशा प्रदान करता है कि एग्जैक्टली अब इसके आगे कैसे आगे लेकर उसको बढ़ना है। और जैसे मैं कहती हूँ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो हमेशा एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर आपको ये एक इमर्जिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अभी डिजाइन करने हैं। एनीवे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रही। उसके अलावा जो हमारी FTA की ट्रैक जो टॉक्स हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, उस पर हमें तेजी आती हुई दिखाई पड़ती है अब। और 2023 में ये जो सारे के सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं EU और इंडिया के बीच में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पहली बार इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक डिफेंस अटैशे जो है वो नियुक्त हुआ है भारत में, और ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो कोऑपरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और लास्टली मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली यूरोप और इंडिया की अगर मैं बात कहूँ तो 2023 में जिस तरह की तेजी हमको दिखी है, संबंधों में गर्माहट दिखी है, कन्वर्जेंस दिखी है, जो मैंने आपसे कहा कि इंडो पैसिफिक कैसे मल्टीपोलर रहे इस पे दोनों का एक कमिटमेंट भी है, इसका हमें एक सीधा सीधा नतीजा होता दिखेगा जब मेरी उम्मीद है कि 2024 आते आते ग्लोबल गेटवे जो EU का बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें एक बिग टिकट अनाउंसमेंट भारत के लिए एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बातें रही। दूसरे एक्सपर्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के पूर्व डीन अश्विनी कुमार मोहपात्रा। मिडिल ईस्ट, इसको इंडिया में वेस्ट एशिया कहते हैं। तो इस पे सबसे बड़ी घटना मैं आपको पढ़ूं कि पहले तो बहुत बड़ा 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ टर्की में, जहां पे इंडिया की मदद रहा, और इसके बाद ईरान पे जो हिजाब के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, और वहां पे जो जो महिलाएं हैं बहुत दिन तक, बहुत महीने तक इनफैक्ट वो जो अथॉरिटेरियन रिजीम के अगेंस्ट में फाइट किए, लेकिन इसका रिजल्ट अब तो कुछ आया नहीं। लेकिन ये लगता है कि ईरानियन रिजीम जो है अंदर से ही उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तीसरी बात रहा कि वेस्ट एशिया के अंदर पहली बार कि एक शांति का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें चाइना के मीडिएशन पे पहली बार करीब 7 साल के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन रिलेशन शुरू हुआ। और इसके बाद देखोगे कि ब्रिक्स का अंदर कम से कम 4 वेस्ट एशियन कंट्री को एंट्री हुआ, ईरान, सऊदी अरेबिया और आपके UAE, इजिप्ट। और जो तीसरी बात है कि सीरिया जिसको निकाला गया था 2011 में अरब लीग से, पहली बार बशर अल असद को वहाँ पे अरब लीग जाने के लिए उनका आमंत्रण किया गया, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। इसके बाद रहता है कि पहली बार इजिप्ट और टर्की का नॉर्मलाइजेशन हुआ 2013 में, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इजिप्ट में मोर्सी, उनको हटाने के बाद पहली बार इजिप्ट की रिलेशन टर्की के साथ में नॉर्मलाइज हुआ, पहली बार टर्की का एक फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट गए। और रही बात जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होता है हमास के साथ अक्टूबर 7 में, जो हमास के जो एट्रोसिटी होता है साउथ लेबनान में, साउथ इसराइल में, वहाँ पे करीब 1500 इजरायली सिविलियन को मारा जाता है, करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज किया जाता है। इसके बाद इसराइल का जो वार होता है गाजा पे अभी चल रहा है, इसके चलते हुए वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई है। और जैसे आपको पता होगा कि जो ईरान इसके पीछे था, ईरान का एक ग्रुप जो नेटवर्क बनाया हुआ है, ये करीब 2013 से अपना काफ़ी सक्सेसफुल रहा उसका नेटवर्क, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस।
उस पे ईरान के सपोर्ट करते हुए वहाँ पे इराक पे भी है, यहाँ पे हुतीज है यमन में, हिजबुल्ला है लेबनान सीरिया में, और हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है। तो मोटा मोटी देखोगे कि जितने ये नॉर्मलाइजेशन हुआ इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एंट्री हुआ। हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, पहली बार 20 साल में जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने राइसी ने चाइना के फेबर में 3 दिन विजिट पे, ये करीब 150 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चाइना कर चुका है। तो चाइना की रोल वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, एक है। दूसरी बात है तो रीजनल एक्टर्स को आप देखोगे कहीं ना कहीं ईरान की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, मैं ये नहीं कहा कि इसका फिजिकल ऑक्यूपेशन डोमिनेशन रहो वेस्ट एशिया के अंदर, परंतु इसकी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में बढ़ गया है, आगे भी बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न अमेरिका के लिए है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बनता है चाइना और रशिया ईरान के साथ, और ईरान की जो एक्सिस रेजिस्टेंस है दूसरा कंट्री के साथ, एक ब्लॉक बन जाएगा अमेरिका और अमेरिका का सपोर्टेड कंट्री की इन्वेस्टेशन के अंदर। तो मोटा मोटी देखोगे ये जो टेंशन अभी गाजा पट्टी में शुरू हुआ है, ये टेंशन अगले कुछ साल तक रहेगा। मैं नहीं कह रहा कोई ये बहुत बड़ा कहीं वार होगा, लेकिन जरूर इस तरह का टेंशन वेस्ट एशिया में रहेगा। तीसरे एक्सपर्ट हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के चेयरमैन चिंतामणि महापात्रा। 2023 अमेरिका का विदेश नीति के लिए एक चुनौती बहुत सारे थे, उसमें 3 चुनौतियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम इजराइल में जिस तरह से हमास का हमला हुआ, और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से गाजा में अटैक किया हमास को ख़त्म करने के लिए, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। सब लोग जानते हैं कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को फुली सपोर्ट किया, मगर अभी इजराइल जिस तरह से गाजा में बहुत सारे लोगों को मार रहा है, सिविलियन डेथ्स हो रहा है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिपीटेडली इजराइल को एडवाइस दे रहे हैं कि सिविलियन कैजुअल्टी को कम करो और यूथ को जितना जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करो, मगर नेतन्याहू ने जो बाइडन की कोई भी बात सुन नहीं रहे हैं। इस तरफ इंडो पैसिफिक एरिया में नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है, और अभी रिसेंटली जिस तरह से एक ICBM टेस्ट किया, वो अमेरिका का कोई भी एरिया में जाके गिर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चुनौती दे रहा है न्यूक्लियर और मिसाइल रिलेटेड इश्यूज में, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलके एक्सरसाइज करते रहते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन की बराबर है। और यूक्रेन में जिस तरह से वार चल रहा है, रशिया को अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला रशिया के ऊपर और सैंक्शन डाला, मगर अमेरिकन सैंक्शंस रशिया के ऊपर ज़्यादा असर नहीं किया और वार अभी भी चल रहा है। इस तरफ देखेंगे तो चाइना और अमेरिका के बीच जिस तरह से एक कोल्ड कन्फ्रंटेशन चल ही रहा है, और दोनों देश कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो इकोनॉमिक एरिया हो, डिफेंस सिक्योरिटी हो, या फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी एरिया हो, और अमेरिका को चाइना को भी कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। तो अभी 2023 में ये जो अमेरिका की चुनौतियाँ आगे आने वाले दिनों में, महीनों में, और पर्टिकुलरली 2024 में हम देखेंगे कि ये चुनौतियाँ तब भी रहेंगे। अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो तो रहेगा, मगर ये अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे देश और मिडिल पावर का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, मगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं करेगा, ग्लोबल डिजर्डर होगा, और उसको कैसे उसका सामना करें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चुनौती रहेंगे। आज के चौथे एक्सपर्ट हैं JNU के सेंटर फॉर रशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध में जो 3 सबसे बड़ी घटनाएं हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जून 23 की घटना, जिसमें वाग्नर PMC के प्रमुख यवगनी प्रिगोजिन ने सैन्य विद्रोह किया था रूसी सेना के खिलाफ और एक तरह से पुतिन के खिलाफ, और यूक्रेन से अपनी सेना को, जो उनकी भाड़े के सैनिक थे, उनको लेके वो रोस्तोव ऑन डॉन पे चले आए थे, और करीब बिना किसी संघर्ष के या विरोध के उन्होंने वहाँ कैप्चर कर लिया था वहाँ के आर्मी कमांड को, और उसके बाद वो
मॉस्को की तरफ कूच कर गए थे। और उस घटना ने न कि सिर्फ पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया था, बल्कि लोग ये समझने लगे थे शायद पुतिन के कंट्रोल में सारे इवेंट्स नहीं हैं। और उसी प्रोसेस में उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए थे, यानी 3 उनके एयरफोर्स के पायलट मारे गए थे, और वो मॉस्को की तरफ कूच कर गए थे। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करके उनको मना के शायद बेलारूस बुलाया, वो भी पूरी तरह क्लियर नहीं है उनकी क्या शर्तें थी। दूसरी सबसे बड़ी घटना थी इसी से जुड़ी हुई, वो थी जो वाग्नर आर्मी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का 23 अगस्त को संदेहास्पद स्थिति में मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग उड़ान भरते समय रास्ते में त्वर में उनके विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना, जिसमें न कि सिर्फ येवगेनी प्रिगोजिन मारे गए थे बल्कि उनके सैन्य और असैन्य लीडर्स भी मारे गए थे। उसके कारण क्या थे वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये नॉर्मल घटना नहीं थी, इसमें किसी न किसी तरह रूस की एजेंसियां जरूर इन्वॉल्व रही होंगी। ये तो सबसे बड़े हैं इवेंट हैं। तीसरा है जो अगर मिलिट्री फ्रंट की तरफ देखा जाए तो जो काउंटर ऑफेंसिव था उसमें रोबोतिने एक नाम का एक गांव है जिसको यूक्रेनी सेना ने कैप्चर किया था, लेकिन वहाँ उससे आगे नहीं बढ़ी। और ऐसा लग रहा था कि जो काउंटर ऑफेंसिव है और जिसकी बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि यूक्रेन करेगा, उसमें वो सफल हो जाएंगे, लेकिन वो सफल हुए नहीं। और किसी तरह ये जो काउंटर ऑफेंसिव है वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं, यानी जो यथास्थिति थी वो बनी रही और आज तक लगभग वैसी ही स्थिति है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 2023 में रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर। हमारे 5वें एक्सपर्ट मुंबई के बिट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन। देखिए 2023 बहुत ही दर्दनाक साल साबित हुआ है फिलिस्तीनियों के लिए भी और इसराइल के लिए भी, लेकिन जो इसराइल और हमास का वॉर है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। पिछले कई सालों से एक लहर चली है वेस्ट बैंक में, जिसमें इसराइल की तरफ से ज़्यादा सेटलमेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल एजेंसीज और विदेशी ताकतों ने, इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने, जितना वो कर सकते थे वो नहीं किया है। ये पिछले कई सालों से होता आया है और इस साल भी कुछ अलग नहीं था। इसराइल की सेटलमेंट एक्टिविटीज बढ़ती रही हैं, इसराइल ने और भी नए सेटलमेंट्स को अप्रूव किया है, सेटलमेंट्स के लिए जमीन छीनी है फिलिस्तीनियों से, लेकिन इस साल जो अलग होना शुरू हुआ फरवरी और मार्च के आसपास से वो था जिसको अंग्रेजी में सेटलर वायलेंस कहा जा रहा है। वो ये कि फिलिस्तीनियों की तरफ से जो अटैक्स हुए हैं सेटलमेंट्स के ऊपर, उसके बदले में पिछले साल तक ज्यादातर जो अटैक्स या फिर अरेस्ट करने की एक्टिविटी होती थी, लीगल कार्रवाई, वो इसराइल की आर्मी या फिर बॉर्डर पुलिस के साथ या फिर फिलिस्तीनी एजेंट जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी पुलिस के थ्रू होता था। इस साल एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो ये होने लगा है फरवरी के बाद से, वो है सेटलर वायलेंस। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फिलिस्तीनियों की तरफ से किसी सेटलमेंट पे अटैक हुआ है, चाहे वो एक इंडिविजुअल अटैक हो या फिर ग्रुप अटैक हो, रायट की तरह का अटैक हो, तो सेटलर्स ने इजरायली आर्मी का इंतजार करने के बजाय खुद बदला लेने की एक कार्रवाई स्टार्ट करी है। इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये हुआ कि जून एंड जुलाई में हमने कुछ केसेस ऐसे देखे जहां इजरायली आर्मी ने उन सेटलर्स को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी जिन्होंने बदला लेते हुए फिलिस्तीनी गांवों को जलाया या फिर फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलीबारी करी। सेटलर वायलेंस एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। उसके बाद जैसे हर साल होता है कि जेरूसलम में जो बहुत ही फ्लैश पॉइंट्स हैं, रिलीजियस जगह हैं, जैसे जो टेंपल माउंट है, हरम अल शरीफ है या वेस्टर्न वॉल है, वहाँ हर साल हमने डिस्टर्बिंग वायलेंस देखा है, जो इस बार भी हुआ। और फिर इस बार वो हुआ जो आज तक की फिलिस्तीनी या फिर इजरायली हिस्ट्री में नहीं हुआ था, हमास का अटैक जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइलियों को मारा गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है इसराइल की हिस्ट्री में। और उसके बाद इसराइल ने बदला लेते हुए हमास पर अटैक किया, जो आज तक
चल रहा है। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भले ही ओपिनियन ये बनता जा रहा है कि इसराइल ने बहुत अटैक लंबा कंटिन्यू कर दिया है, अब इसराइल को थम जाना चाहिए या सर्जिकल अटैक करना चाहिए। सर्जिकल का मतलब यहाँ ये हुआ कि सिविलियंस की मौतें ना हो और सिर्फ जो वेरीफाइड हमास के टारगेट्स है सिर्फ उनको टारगेट किया जाए। लेकिन इसराइल ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसराइल ने कहा है कि जब तक जरूरत पड़ेगी ये लड़ाई हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे इस लड़ाई में हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सपोर्ट मिले या ना मिले, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा क्रिटिसिज्म हो या ना हो, लेकिन ये चलता रहेगा। कुछ मिलिट्री एडवाइजर जो इसराइल की तरफ से है उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कम से कम 6 महीने और चल सकती है। नेतन्याहू ने भी एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि 3 से 4 महीने और चलेगा, एक बार उन्होंने 6 महीने कहा है और एक बार कहा है कि हम कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकते। लेकिन चाहे जैसा भी स्टेटमेंट आया हो, 2024 और भी ज्यादा डिप्रेसिंग दिखता है गाजा स्ट्रिप के लिए। हमास, जैसे हम लोगों ने कई बार पहले भी बात कही है, हमास के लिए सपोर्ट एक्चुअली बढ़ता जा रहा है फिलिस्तीनियों के अंदर। अभी मेजॉरिटी में नहीं पहुंचा है, लेकिन जो प्यू रिसर्च सेंटर का लेटेस्ट डेटा आया था पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते सॉरी, उसमें वेस्ट बैंक के अंदर 48% तक पहुंच गया है हमास का सपोर्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं कि हमास ने जो किया वो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की एक्टिविटीज के खिलाफ हमास को पूरा हक है सेल्फ डिफेंस का। सो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो इसराइल के नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। इन सब चीजों को साथ में रखते हुए लगता है कि 2024 के कम से कम शुरू के 3 महीने बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट होने वाले हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के बावजूद इसराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। इस चीज का पूरी दुनिया पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसराइल के साथ साथ अमेरिका का क्रिटिसिज्म भी बढ़ेगा। रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज कंटिन्यूसली वो करेंगी, क्रिटिसाइज करेंगे अमेरिका को। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि इंडिया कैसे अपने आप को बैलेंस्ड दिखाता रहे। इंडिया ने बहुत कोशिश करी है, अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी का जनरल असेंबली में जो रिसेंट वोटिंग हुआ था उसमें इंडिया ने भी वोट किया है सीज फायर के लिए, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ भी बात करी और इंडिया की तरफ से ये स्टैंड रखा है कि लड़ाई को अब सीज फायर की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन जितनी लड़ाई लंबी खिंचेगी उतना अनकंफर्टेबल स्पॉटलाइट इंडिया के ऊपर भी होगा कि इंडिया कैसे बैलेंस कर रहा है अपने रिलेशंस को इसराइल और फिलिस्तीनियों के साथ। तो वो एक अनकंफर्टेबल डिप्लोमेटिक पोजीशन तो हमें फेस करनी पड़ेगी। 2023 में और क्या हुआ खास? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल प्राइज मिला। नरगिस जेल में है, उनके बच्चों ने उनकी जगह पुरस्कार लिया। भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, इससे पहले चीन पहले नंबर पर था। भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भी दुनिया का पहला देश बना। चंद्रयान 3 ने ये कारनामा किया। अब उन शख्सियतों के नाम जानते हैं जिन्होंने इस बरस हमें अलविदा कहा। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जिनके ऊपर तख्त पलट और नरसंहार के इल्जाम लगे। मैथ्यू पेरी, फ्रेंड्स में वेंडलर का किरदार निभाया। ली केचियांग, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें शी जिनपिंग ने साइडलाइन कर दिया था। एम एस स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के पुरोधा। डेनियल एल्सबर्ग, जिन्होंने 1970 के दशक में पेंटागन पेपर्स लीक किए जिसके बाद वियतनाम वॉर खत्म हुआ। परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह। बिशन सिंह बेदी, भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज स्पिनर। बालकृष्ण दोषी, पद्म विभूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट जिन्होंने IIM बेंगलुरु, IIM उदयपुर और NIFT जैसी संस्थाओं को डिजाइन किया। इस एपिसोड को तैयार करने में मदद की साजिद मानस और रेशु ने, कैमरे के पीछे आलिश और एडिट किया राधे ने। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और दुनियादारी के दैनंदिन काम को बरसों से संभाल रहे हमारे साथी अभिषेक कुमार। ये पूरी टीम सोमवार से शुक्रवार तक दुनिया की सब खबरें दुनियादारी की शक्ल में आप तक लेकर आएगी। उम्मीद है सोमवार को फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।